इंडिया जो कि एक टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर देश था, सिर्फ एक बुक की वजह से इतना गरीब कैसे हो गया? एंशियंट या मिडिवल इंडिया के टाइम पे इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यहाँ तक कि मुगल एम्पायर के टाइम पे भी दुनिया की 25% इकोनॉमी इंडिया ही होल्ड करता था। पर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बढ़ती चली गई, वैसे ही वो इंडिया को और भी ज्यादा बेरहमी से लूटते चले गए। पर इस तरीके से इंडिया को लूटने का प्लान बनाने के पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ था, और इस इंसान का नाम था जॉन फोर्ब्स वॉटसन। वॉटसन ने डॉक्टर की तरह ट्रेन किया था और वो उस टाइम पे ब्रिटिश की आर्मी में सर्जन का काम करते थे। और इसके अलावा 1858 में लंदन में बने इंडिया म्यूजियम का उनको डायरेक्टर भी बना दिया गया। ये वही जगह है जहां आज भी इंडिया की लूटी हुई चीजें रखी हुई हैं। पर यहां काम करते करते वॉटसन को ब्रिटिश इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का पता लगा। इंडिया इतना अमीर था कि उसके पास हर तरीके के रिसोर्सेज थे, चाहे कपड़ों में हम सिल्क की बात कर ले या फिर कॉटन की बात कर ले, इसके अलावा भी आइवरी हो गया, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम स्पाइसेस की ही बात कर ले, इंडिया के पास लगभग सारे ही रिसोर्सेज थे, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिशर्स के पास इंडिया को बेचने के लिए कुछ था ही नहीं, यानी इस क्राइसिस से खुद को बचाने के लिए उन्हें इंडिया को कुछ ना कुछ बेचना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहीं से जॉन फोर्ब्स वॉटसन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो उस प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। वॉटसन के प्लान के हिसाब से वो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट करने वाले थे और उसको बर्बाद भी करने वाले थे। और इस काम को अंजाम देने के लिए वॉटसन ने एक किताब बनाई, जिस किताब ने ऐसी बर्बादी मचाई कि हम आज तक उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। आपने ऐसे कपड़ों के बारे में जरूर सुना होगा जो कि एक रिंग में से पास हो जाते हैं। ये एक तरीके से इन कपड़ों की क्वालिटी का टेस्ट भी होता है। पर एक टाइम पे इंडिया के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसकी पूरी साड़ी एक मैच बॉक्स के अंदर आ जाती थी। लोग बोलते थे कि ये कपड़ा बिल्कुल बहती हवा की तरह फील होता है, इसीलिए इसको फैब्रिक लाइक विंड भी कहा जाता था। इस फैब्रिक को कहा जाता था ढाका मसलिन, जो कि काफी ड्यूरेबल और काफी सॉफ्ट कपड़ा था। इसके अलावा ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट भी था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। 1850s और 1860s में इस कपड़े की कॉस्ट 50 से 400 यूरो के आसपास थी, जिसको इन्फ्लेशन के हिसाब से आज लगाएं तो लगभग 7000 से 56000 यूरो लगता है, यानी लगभग 50 लाख रुपए। ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा महंगा था, और इसीलिए इसे नॉर्मल लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोग पहन सकते थे। मुगलों के टाइम पे चाहे आदमी हो या औरतें हो, दोनों ही इस कपड़े को बहुत ज्यादा यूज करते थे। फ्रांस की क्वीन के कलेक्शन में ऐसे बहुत सारे कपड़े थे जो कि ढाका मसलिन से बने हुए थे। इसके अलावा भी ये फैब्रिक ग्रीस और रोम में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, पर सबसे ज्यादा ये पॉपुलर थे यूरोप में। यूरोप में इसे एक लग्जरी फैब्रिक की तरह देखा जाता था, और वहाँ की प्रिंसेस, वहाँ की रानियां इस कपड़े के पीछे पागल थी। ढाका मसलिन यूरोप में वेल्थ का, अमीरी का और सोफिस्टिकेशन का एक सिंबल बन चुका था। वहां के लोगों को लगता था कि ये कपड़ा इतना अच्छा है, इसको नॉर्मल इंसानों ने नहीं, सुपर नेचुरल लोगों ने बनाया है। कपड़े के एक छोटे से हिस्से में कितने थ्रेड्स हैं, इससे उसकी क्वालिटी का पता चलता है। आज के जमाने में हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें लगभग 30 से 40 थ्रेड्स होते हैं एक स्क्वायर इंच में, पर ढाका मसलिन में 1200 थ्रेड्स हुआ करते थे। बस इसी से आप उस कपड़े की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। पर आज ये फैब्रिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ कुछ म्यूजियम्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। और सैफुल इस्लाम नाम के एक बांग्लादेशी रिसर्चर इस फैब्रिक को वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वो सिर्फ 70% मैच ही ढूंढ पाए हैं। ढाका मसलिन और उसके जैसे बहुत सारे वैल्यूएबल फैब्रिक्स को खत्म करने के पीछे रीजन है कौन? इनकी बर्बादी का रीजन है जॉन फोर्ब्स वॉटसन और उनकी किताब, जिनकी वजह से जो लोग ये फैब्रिक्स का काम करते थे उनको मजबूरी में ये काम ही छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वो प्लांट्स और वो नॉलेज भी गायब हो गई जिनसे ये फैब्रिक्स बना करते थे। और इसी किताब ने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया। वॉटसन ने इंडिया की टेक्सटाइल की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को स्टडी करना शुरू किया। इंडिया के फैब्रिक्स पेरिस में भी फेमस थे और लंदन में भी बहुत ज्यादा फेमस थे, इसीलिए वॉटसन ने वहां से भी कलेक्शंस को उठाया। एक दिन बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स एक ट्रेड म्यूजियम में जमा हो रखे थे, और इसी मौके का फायदा उठा के जॉन फोर्ब्स वॉटसन अपनी ट्रॉली लेके उस म्यूजियम में पहुंच गए। ये ट्रॉली थी वॉटसन की फेमस मोबाइल ट्रेड म्यूजियम, और इस छोटी सी ट्रॉली में एक से एक फैब्रिक्स लगे हुए थे। इन छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों में
फैब्रिक्स को देख के लोग एजुकेट भी हो सकते थे और साथ ही साथ बिजनेस के लिए इंस्पिरेशन भी ले सकते थे। और इंडिया के फैब्रिक्स इतने कमाल के थे कि वॉटसन का ये आइडिया इंस्टेंटली सुपर हिट हो गया, जिसके बाद वॉटसन ने अपनी किताब की पूरी सीरीज लिखी जिसमें 18 वॉल्यूम्स थी और इस बुक का नाम था द कलेक्शंस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। वॉटसन ने 700 डिफरेंट टेक्सटाइल के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको कट करके छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए थे। वॉटसन की नजरों में ये बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े आर्ट फॉर्म तो थे ही नहीं, उनकी नजरों में ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया था। वॉटसन के कलेक्शन इतने फेमस थे कि उनको स्कूल्स में भेजा गया एजुकेशन के लिए, अलग अलग आर्ट लोकेशंस पे भेजा गया स्टडी करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सारे ट्रेड लोकेशंस पे भेजा गया कि कैसे इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में मिल्स बनी हुई थी जो कि वॉटसन के आइडिया को रेप्लिकेट कर सकते थे, और इन्हीं मिल्स की हेल्प से प्लस वॉटसन के आइडिया से ब्रिटेन के पास कुछ था जो कि वो इंडिया को बेच सके, और वो था हमारे ही कपड़ों का चीप और मास प्रोड्यूस्ड कॉपीज। और इन्हीं चीप कपड़ों ने इंडिया के टेक्सटाइल वर्कर्स का बिजनेस बर्बाद कर दिया। इसके अलावा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैलिको एक्ट्स पास किए जिसका मतलब था कि इंडियन टेक्सटाइल्स को इंग्लैंड में बैन कर दिया जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स हमें हमारे ही टेक्सटाइल्स की चीप कॉपी बेच सकते थे पर हम उनको अपना सामान नहीं बेच सकते थे। उस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था और उन्होंने यहाँ के सारे लोगों से बहुत बुरी तरीके से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, फिर वो इसी टैक्स के पैसे को ब्रिटिशर्स को भेज देते थे, जिसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ही टेक्सटाइल्स को लेते थे। यानी आप सोचो कोई आपके ही पैसे से आपका ही सामान खरीद ले, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्टर्स अपना सामान दूसरे देशों को भी बेच सकते थे ब्रिटेन के अलावा, पर ब्रिटिशर्स ने इन ट्रेड्स के भी पैसे को चुराने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। ब्रिटेन के अलावा अगर किसी को भी इंडिया का कोई भी टेक्सटाइल अगर खरीदना होता था तो वो डायरेक्टली पैसे देके उसको खरीद ही नहीं सकता था, वो ऑप्शन ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन मेक श्योर करता था कि ऐसे सिचुएशन में भी सारा पैसा लंदन ही आए। बाहर के किसी भी आदमी को गोल्ड या सिल्वर पहले लंदन को देना होता था, फिर लंदन में पैसों के बदले कुछ करेंसी पेपर के फॉर्म में उन लोगों को दे देती थी, और फाइनली अगर किसी को इंडिया से कुछ खरीदना होता था तो वो ये पेपर्स ये करेंसी इंडिया वालों को देते थे। यानी इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पैसे नहीं मिलते थे, उनको ये पेपर्स मिल जाते थे पैसे के फॉर्म में। पेपर्स की वैल्यू तो तभी होगी ना जब इन पेपर्स के बदले आपको असली पैसे मिले। तो जब इंडियन ट्रेडर्स इन पेपर्स के बदले पैसे लेने जाते थे तो उनको कौन से पैसे दिए जाते थे? ये वही पैसे होते थे जो इंडिया वालों से धमका के टैक्स के फॉर्म में वसूले गए थे, यानी हमारे टैक्स के पैसे से ही हमारा ही सामान खरीद लिया जाता था। माना जाता है कि लगभग 200 सालों में ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन इंडिया से चुराए। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि ये पूरे यूके के एनुअल जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जॉन फोर्ब्स वॉटसन को इंडियन टेक्सटाइल्स की बहुत नॉलेज थी, पर उन्होंने इस नॉलेज को हमारे ही टेक्सटाइल्स हमारी ही इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए यूज किया।